पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव के रोटेशन के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है। तो पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कांग्रेस की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तौर पर कहा गया था कि जबलपुर हाईकोर्ट में ही इस याचिका पर सुनवाई होनी है, क्योंकि एक ही मामले पर दो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई होगी। तो पंचायत चुनाव के रोटेशन के आधार पर आरक्षण की भी मांग रखी गई है। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस तरह से कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही थी, इस बार अब ये सामने आया है कि जबलपुर में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की जाएगी। तो कांग्रेस की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट आज रहेगा। और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा खबर पर लाइव बने हुए हैं। सूरज, आपसे तमाम जानकारियां लेना चाहेंगे, किस तरह से कांग्रेस दरदर भटक रही है पंचायत चुनाव को लेकर और आज याचिका भी दायर की जाएगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा आज? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस चाहती थी कि रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हो, यही वजह है कि हाईकोर्ट में पहले याचिका लगाई और हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई करते हुए कहा है कि जिस तरीके का महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किस तरीके की प्रक्रिया थी और वहाँ पर स्टे दिया गया था, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी इसमें रोटेशन का पालन या आरक्षण के लेकर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनका पालन करते हुए सुनवाई करे। तो उसके बाद अब रास्ता साफ हो गया है कांग्रेस का और आज सैयद जाफर और जया ठाकुर जो कांग्रेस की तरफ से पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं और खुद जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, सैयद जाफर और जया ठाकुर दोनों आज जबलपुर पहुंचेंगे और यहां पर एक बार फिर से याचिका लगाई जाएगी। इस मामले को लेकर सुनवाई को लेकर याचिका दायर की जाएगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आरक्षण का जो पालन है वो नहीं किया गया, खासतौर से जो रोटेशन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से याचिका लगाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का हवाला दिया था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से रोटेशन का पालन नहीं हुआ था, तो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्टे दिया था, चुनाव पर रोक लगाई थी और रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हुआ था। ऐसे में देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला देता है, किस तरीके तथ्य जो हैं जया ठाकुर सैयद जाफर की तरफ से रखे जाते हैं, क्या मांग की जाती है, किस तरीके रोटेशन प्रक्रिया के पालन को लेकर वो मांग करते हैं। तो अब देखना ये होगा अवंतिका, आज उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिका है उस पर क्या किस तरीके का फैसला उच्च न्यायालय का होता है। अवंतिका, बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सूरज ने कहा कि आज याचिका दायर की जाएगी और देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है।